अब तक हमने क्या पढ़ लिया भाई? माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, मेजरिंग टेप, स्केल, ये सब पढ़ लिया ना। ये सब लीनियर डायमेंशन को नापने के लिए है, मतलब लीनियर साइजेस को नापने के लिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? वर्नियर कैलिपर कितने प्रकार के, माइक्रोमीटर कितने प्रकार के, किस मटेरियल के बने होते हैं, ये सब आप जान गए ना। अब एक बात मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। एक तो होती है याददाश्त और एक होती है बुद्धिमता, इंटेलिजेंस कहते हैं उसको। आप लोग ज़्यादातर याददाश्त पे निर्भर रहना चाहते हैं, वर्नियर कैलिपर क्या है, किस चीज़ का बना है, कैसा दिखता है, उसको प्रयोग करने के लिए एक इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, आपको वो डेवलप करना है। आप लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, ये परीक्षाएं या उसके बाद जॉब, क्या ज़रूरत है आपके लिए? जॉब, करेक्ट। हम ये सब ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं? परीक्षा पास करने के लिए नहीं कर रहे ना, हमारे लिए जॉब जरूरी है। उस जॉब में आपकी याददाश्त से ज़्यादा आपकी इंटेलिजेंस काम करेगी। इस बात को समझाने के लिए, इससे पहले कि मैं लेक्चर शुरू करूं, इस बात को समझाने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप लोग मेरे सवाल के लिए तैयार हैं? और मैं आप लोगों को बहुत कहता हूं सवाल पूछा करो, तो मैं भी आप लोगों से बहुत सारे सवाल पूछ सकता हूं, पढ़ाने के बाद तो पूछ सकता हूं ना। ओके, जरा इसको समझने की कोशिश करें मैं क्या बना रहा हूं। ये क्या बनाया है मैंने? ये एक शाफ्ट है जिसका बीच में से व्यास बड़ा है और दोनों साइडों में से व्यास छोटा है। ऐसा मान लो जैसे दोनों तरफ बेयरिंग आएंगे और बीच में एक बड़ा गियर आएगा, ठीक है? समझ गए? शाफ्ट है, ठीक। अब इसके साइजेस बता देता हूँ। बीच में से इस शाफ्ट का डायामीटर है 150 mm, व्यास 150 mm है। आ जाइए, ठीक है? और दोनों साइड में इसका व्यास 100 mm है। मतलब एक शाफ्ट है जिसका बीच में साइज 150 mm है और दोनों साइड में 100 mm व्यास, ठीक है? अब मेरे पास एक वर्नियर कैलिपर है, ये जो 200 mm तक नाप सकता है। अब सवाल ये है कि ये वर्नियर कैलिपर क्या इस 150 mm व्यास को नाप सकता है? नाप सकता है? नहीं नाप सकता है। यही तो समझना है, ये वर्नियर कैलिपर अगर 150 mm को नापेगा तो उसका डायमीटर पे टच होना चाहिए ना, ये इसके डायमीटर इसके बीच में आना चाहिए ना, मेजरिंग जॉज के बीच में आना चाहिए। समझ में आ रही है बात? अरे भाई, अगर इसके अंदर 150 mm का कोई व्यास नापना है मुझे, तो इसके जॉस बड़े होने चाहिए ना, जो डायमीटर पे आके टच करें, उसके डायमीटर पे टच होंगे ना ये। अगर यहाँ पर व्यास 150 mm है तो त्रिज्या कितनी होगी? कितनी होगी? 75 mm ना। अब सतह से जॉस नीचे 75 mm जाएंगे तभी तो 150 mm के व्यास को पकड़ेंगे ना। ये तो 45 mm है, नहीं नापेंगे। अब ये 80 mm लंबे होंगे तब 150 mm व्यास को पकड़ेंगे। अब समझ आई आपको? ये वर्नियर कैलिपर 150 mm व्यास को नापने के लिए नहीं बनाए।